सब कुछ जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 7 वचन 1 से, नीति वचन अध्याय 7 वचन 1 से आइए देखते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी अंगुलियों में बांध, अपने और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू क्या कर कि मेरी बातों को माना कर। हमारा परमेश्वर इसलिए कहता है क्योंकि जो उसकी बातें होती है ना, उसकी सारी बातें हमारे लिए भली होती है, हमारे भले की होती है। वो जो कुछ बातें कहता है हमारे भले की बातें कहता है, हमारे लाभ की बातें कहता है। इसलिए कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, क्योंकि उसकी बातें मानने योग्य होती है। कहता है और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और जो मेरी आज्ञा है ना, तू अपने मन में उसे रख ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा है ना, हमारे लाभ की होती है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ही हमें चंगाई देता है, छुटकारा और हमें उद्धार देता है, क्योंकि उसकी आज्ञा के द्वारा ही, उसके वचन के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है। उसके आज्ञा, उसके वचन के द्वारा ही हमें छुटकारा मिलता है, उसके आज्ञा और वचन के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख ले, और कहता है कि मेरी आज्ञा को मान, इससे तू क्या होगा, जीवित रहेगा। कहता है कि जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा ना, तब तू जीवित रहेगा, अर्थात अनंत काल का जीवन यानी स्वर्ग का जीवन पाएगा। जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो तू जीवित रहेगा। कहता है कि मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान ले। कहता है जो मैं तुझे ये शिक्षा दे रहा हूं ना, इस शिक्षा को तू अपनी आंख की पुतली जान ले। कहता है मेरी शिक्षाओं को तू अपने आंख की पुतली जान ले, यानी तू अपने संपूर्ण शरीर में अपने आंख की पुतली की जितनी सुरक्षा करता है ना, कहता है उतनी, यानी जितना अपने आंख के पुतली का ध्यान रखता है ना, कहता उतना ध्यान मेरी आज्ञाओं का रख। तू अपने आंख के पुतली के समान मेरी आज्ञाओं के ऊपर ध्यान दे। कहता है कि उनको अपनी अंगुलियों में बांध ले। कहता है जो मेरी आज्ञा है ना, मेरी आज्ञा को तू अपने अंगुलियों में बांध ले, ताकि हमेशा तेरे दृष्टि में बनी रहे, हमेशा तू मेरी आज्ञाओं में बना रहे। कहता है और अपने हृदय के पटिया पर उसे लिख ले। कहता है अपने हृदय रूपी पटिया पर मेरी जो आज्ञा है ना, मेरी आज्ञा को लिख ले, कहीं वो मेरी आज्ञा तू इसे भूल न जाए, कहीं तू मेरी आज्ञाओं से दूर न हो जाए। इसलिए तू मेरी आज्ञा को अपने अंगुली के पोर में बांध ले और मेरी आज्ञा को तू अपने हृदय में रख ले, क्योंकि जो मेरी आज्ञा है ना, उस आज्ञा को अगर तू मानेगा ना, तो तू अनंत काल का या अर्थात स्वर्ग के लिए तू जीवित रहेगा, तू अनंत काल का जीवन पाएगा, तू मरने नहीं पाएगा, अर्थात मृत्यु में नहीं जाने पाएगा, नरक में नहीं जाने पाएगा। कहता है कि मेरी आज्ञा तुम्हें क्या करेगी, परमेश्वर के लायक बनेगी, बनाएगी और परमेश्वर के राज्य का वारिस तुम्हें बना देगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई,
सच में परमेश्वर की जो बातें हैं हमारे भले के लिए है, उसकी जो आज्ञा है हमारे भले के लिए है। जो कोई उसकी आज्ञा को सुनता है, ग्रहण करता है, अपने अंदर रखता है और अपने आप को उस पर चलाता है, वह परमेश्वर की ओर से वह जीवन पाता है और बहुतायत का जीवन पाता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, अवश्य कि उसकी सारी बातों पर ध्यान दीजिए, उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दीजिए, आपको भी अनंत काल का जीवन देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत और अलौकिक चमत्कार होने दी। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा कर और इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। मेरे महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते कि आज पूरी रात इन्हें आपने आप संभाल कर रखे हैं। हे परमेश्वर, आज पूरी रात जो इन्हें संभाल कर रखा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, आज पूरी रात इन्हें अच्छी नींद दिया है, नई सुबह दिया इनके लिए, नया जीवन दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर, आज सुबह की प्रार्थना इनके लिए करते हैं पिता, ताकि आज का जो दिन इनके लिए हो तो प्रभु तेरे आशीष से भरा हो, कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे प्रभु तेरे आशीष से भरे रहे, इनके द्वारा कोई पाप गुनाह ना होने पाए, इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई परेशानियां ना आए। हे परमेश्वर, ये जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर तेरे स्वर्गीय भंडार की आशीष हो, ताकि इनके घर में बरकत हो, इनके परिवार में बरकत हो और इनके रोजी रोजगार में बरकत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, जो बेरोजगार है प्रभु, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, जिसके पास नौकरी नहीं उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। हे प्रभु, जो गरीबी के श्राप में उन्हें छुटकारा दे, जो कर्ज में उनका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसे घर मिल जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, उन बीमारों को छू ले प्रभु, ताकि वे चंगे होने पाए। जो अंधे हैं वह देखने लगे, जो बहरे हैं वह सुनने लगे, जो कोढ़ी है वह शुद्ध हो जाए, जो गूंगे वह बोलने लगे, जो लंगड़े हैं वह दौड़ने लगे। हाँ मेरे महान प्रभु, प्रार्थना करता पिता, हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें दूर हो जाए, लीवर चंगा हो जाए, किडनी चंगी हो जाए, गैस की बीमारी, सूजन, तमाम तरह की बीमारियां जो उनके शरीर में बसी हुई है नष्ट होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, जिसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती प्रभु, उसके गर्भ को अपने आशीषों से भर, ताकि उनका गर्भ फलवंत हो जाए और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। लिवरिश बरबासी खिरिंदो सुंदुलु रिबा सकला आबा लबा सबा लबासी खिरिंदो सोलुरबा लबा लबा सेन देख दे दिलेरी। ओ थैंक यू जीसस, प्रभु ने आशीषित कर, ताकि इनके जीवन में जो रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। अभी हमें प्रभु संदेश दे रहा है कि जिनका विवाह हुए 10 से 15 साल बीत गए हैं, आज उनके गर्भ को प्रभु छू रहा है और उनके गर्भ पे आशीष दे रहा है। ओ महान पिता, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, आज उनकी बीमारियां बाहर निकलने पाए, आज जिनके जीवन में निराशाएं, उनकी निराशाएं दूर हो जाए, ओ प्रभु इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। ओ लिवरे शाखार इंदा सुंदुलु रिबा सकाला अब्बा लबा सबा लबा सेखरंदो सुंदुलु रबा रबा सिंगरंदलरे। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर उतरे और हर एक के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए था, हे परमेश्वर, जो अपने अपने जीवन में किसी बात को लेकर काफी परेशान रहते प्रभु, आज से उनकी परेशानियां जाने पाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, हर प्रकार की चिंताएं दूर होने पाए, पारिवारिक कलेश इनके जीवन से दूर हो जाए, आर्थिक तंगियां इनके जीवन से दूर होने पाए। हे प्रभु, जितने सेवा करने वाले, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, इनके जीवन में चाहे जो परेशानियां, आज यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। ओ प्रभु, हर के जीवन में अद्भुत आशीष दे, हर के जीवन में अद्भुत आनंद दे प्रभु, ताकि तेरा आनंद सदैव इनके पास बना रहे। महान पिता, हम यीशु
के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।